नमस्कार दोस्तों, मैं रॉयल झटका मशीन एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बात कर रहा हूँ और आज हम एक नई मशीन के साथ आए हैं। ये देख सकते हो, थोड़े मशीन के बारे में मैं आपको कुछ फ्रंट व्यू है इसके बारे में कुछ समझाता हूँ। ये हमारा पावर का बटन है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये सायरन का है जिससे हम सायरन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा 12 घंटे 24 घंटे वाला है और ये लो पावर हाई पावर का है। ये हमने नया फंक्शन ऐड किया है, ये हमारी डिस्प्ले में मेटल बॉडी में हमने एक नई मशीन डिजाइन करी है जिससे हम क्या करेंगे, ये पुश का बटन का प्रयोग किया है जिससे कि हमारी डिस्प्ले में इनपुट वोल्टेज शो करने के लिए हमने ये डिजिटल मीटर का प्रयोग किया है। और अब मैं इसे थोड़ा मैं आपको इसका बैक दिखा देता हूँ। बैक साइड हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। ये अपना अर्थिंग वाला, ये फेस वाला है, टर्मिनल है। और मैं आपको अब इसे ना चला ऑन करके दिखाता हूँ। और ये मैं अपना एडाप्टर है, एडाप्टर से डायरेक्ट कनेक्शन करता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट कनेक्शन एडाप्टर से कर रहा हूँ। और ये बैटरी वाले में मैं इसे लगा देता हूँ और फिर इसे ऑन करता हूँ। ये मशीन ऑन हो गई है हमारी। और अगर हमें इनपुट वोल्टेज देखने के लिए चेक करने हैं तो हमें इस बटन को पुश करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बटन को पुश करना पड़ेगा अगर इनपुट वोल्टेज शो करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि ये हमारे इनपुट वोल्टेज को शो कर रहा है। इनपुट वोल्टेज जिससे कि हमें ज़रूरत पड़ने पर ही, जब कभी कभी हमें ऐसा रहता है कि हमारी बैटरी लो हो जाती है और हम इनपुट चेक ही नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि बैटरी हमारी चार्ज है और हमारी मशीन चली नहीं पा रही है, तो इसीलिए हम इनपुट वोल्टेज हम आसानी से चेक कर पाएंगे। और पुश का बटन हमने इसीलिए यूज किया है कि क्योंकि कंटिन्यूस अगर डिस्प्ले ऑन रहेगी तो बैटरी डिस्चार्ज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमने पुश का बटन दिया है जिससे कि आपको जब ज़रूरत हो उस टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसे शॉर्ट करके दिखाता हूँ कितना इसका आउटपुट है। इसका बैक देखो, ये बैक साइड में आपको दिखाता हूँ मैं शॉर्ट करके कितना आउटपुट रहता है। ये देखो, इसे शॉर्ट करने के बाद में ये टर्मिनल की डिस्टेंस की दूरी कितनी है और आप इजीली देख सकते हो, ये समथिंग 1 इंच से ही दूर से ही अपना करंट ले रही है। इसके आउटपुट समथिंग 10,000 के समथिंग है क्योंकि गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती है 10,000 से ऊपर के वोल्टेज को। तो ये हमारा नई मशीन है, आप ये देख सकते हो, डिस्प्ले बनाई है। चलो, थैंक यू।